अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बहुत ही तेज़ किस्म की, तूफ़ानी किस्म की बारिश हो रही है टोरंटो में इस टाइम पर, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इतना हसीन सुबह से वेदर हुआ हुआ है कि बहुत ही मज़ा आ रहा है देख के इस टाइम पर बाहर घूमने के लिए। और बादल आप देख सकते हैं कितने घने आए हुए हैं। तो मैंने सोचा यहीं पर अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और अंधेरा भी आप लोग देख रहे हैं कितना तेज़, कितना ज़्यादा हो रहा है। और घर पे मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में। आप देख सकते हैं हमारे प्लांट्स कितने खुश हो रहे हैं इस बारिश में, और टमाटर भी देख सकते हैं आप लोग हमारे। मौसम की सूरत हाल देखते हुए मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। तो चलिए देखते हैं कैसा बनता आज है। मैं बनाने लगी हूँ, आटा देख के अंदाजा हो ही क्या होगा, कोई आटे की चीज़ है। तो मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। तो इसके लिए मुझे चाहिए है हरा धनिया, और मैं अचार डालती हूँ, ये मेरा मुझे बहुत पसंद है, हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। इधर मैंने ले लिया है चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, और थोड़ा ले लिया मैंने चाट मसाला, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी और सॉल्ट, ठीक है। अब मैंने अपने आलूओं को बॉईल करना रख दिया है, और अब मैंने इनको सबको मैश कर दिया है अच्छे से, और अब मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। फ्राई अनियन से पराठे में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं इनको भी ऐड करती हूँ, और अचार का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें भी अब मैं स्पाइसेस इसमें ऐड कर दूंगी, बहुत ही क्विक क्विक से दिखाती हूँ, ठीक है। और अब मैंने इन सबको ऐड कर दिया, और अब मैं इन लोगों इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही स्पाइसी सा बैटर बन चुका है। और इसको हमने लंबी गोल रोटी बना दिया, इसके अंदर घी लगा देंगे अच्छी तरह से, और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे घी इस पर। और अब यहाँ मैंने आलूओं को रख दिया है, पोटैटो बैटर इसके अंदर मैंने रख दिया है, ठीक है। और अब इसको मैंने ऐसे करके रोल बना देना, ये एक तरकीब है, ठीक है। और ऐसे हम राउंड कर देंगे इसको, और अब बीच में से ऐसे तीन या चार भी बन सकते हैं, ठीक है, और जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए, डिपेंड ऑन दैट। और अब ऐसे करके हमने इनकी जो साइड्स हैं वो क्लोज कर देनी है, ताकि आलू बाहर ना आ सकें, ऐसे हम बेलेंगे, ठीक है। और ये वो एक तरकीब थी, और ये दूसरी तरकीब है कि आपने गोल रोटी लेनी है, उसके अंदर आलू स्प्रेड कर देने हैं, और दूसरा जो आपका पेड़ा है वो गोल करके उसके ऊपर आपने रख देना है, और फिर ऐसे आप उस आलू को पूरे उसमें फैला सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट करेंगे, आपको खुद बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।